हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और मोबाइल के बारे में जिसका नाम होने वाला है Vivo Y18i। इससे पहले भी मैं आप लोग के लिए मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ जिसमें अलग अलग मोबाइल संबंधित जानकारी मैंने आपको हर वीडियोस में दी है। मेरे चैनल पर बहुत सारी मोबाइल रिव्यू वीडियोज अपलोड हैं। मेरा मेन मोटिव है आप लोग के लिए एक एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट प्रोवाइड करना जिससे आपकी हेल्प हो सके, आपकी नॉलेज और एजुकेशन बढ़ सके। तो वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखिएगा, पूरी देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो और आपको पूरी ऐसी जानकारी मिलती रहे जो आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो इस वीडियो में बात करेंगे Vivo Y18i मोबाइल के बारे में, इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो के एंडिंग में बात करेंगे कौन कौन से कलर इसमें अवेलेबल है, कौन कौन से वेरियंट अवेलेबल है और हर एक वेरियंट की प्राइस क्या होने वाली है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। अगर आप ऐसे इंटरेस्ट रखते हैं मोबाइल रिव्यू वीडियोज, मोबाइल जानकारी लेना, उनसे संबंधित जानकारियां पता करना। देखिए, सबसे पहले मेन हाईलाइट फीचर्स की बात कर लेते हैं। 4GB रैम के साथ 64GB रोम मिल रही है, एक्सपेंडेबल अप टू 1 TB मिल रहा है, 6.56 इंच की डिस्प्ले देखने की मिल रही है, 13+0.08 मेगापिक्सल का कैमरा है। फ्रंट में आपको मिल रहा है यहाँ पे 5 मेगापिक्सल का कैमरा, 5000mAh की बैटरी है, यूनिस T616 का प्रोसेसर है, करंटली अनेबल ये अभी चल रहा है। अब ये मोबाइल जो है इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ, करंटली अनेबल है अभी। अब देखिए बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की, क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस होने वाली है। तो इन द बॉक्स में आपको हैंडसेट, क्विक स्टार्ट गार्ड, इसके बाद आपको इजैक्ट टूल, प्रोटेक्टिव फिल्म, अप्लाइड वारंटीज, ये सब कुछ मिलने वाला है। मॉडल का नेम होने वाला है Y18i। कलर होने वाला है स्पेस ब्लैक, ब्राउज टाइप स्मार्टफोन, सिम का टाइप होने वाला है डुअल सिम, हाइब्रिड सिम स्लॉट, नो टच स्क्रीन, यस OTG कॉम्पेटेबल, यस मिलने वाला है। डिस्प्ले फीचर, डिस्प्ले साइज होने वाला है 6.56 इंचेस का, रेजोल्यूशन होने वाला है 1612x720 पिक्सल के साथ। डिस्प्ले टाइप होने वाला है LCD, OS एंड प्रोसेसर फीचर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम होने वाला है एंड्रॉइड 14, प्रोसेसर का ब्रांड होने वाला है यूनिस्को, प्रोसेसर टाइप होने वाला है यूनिस्को T616, प्रोसेसर कोर होने वाला है ऑक्टा कोर, प्राइमरी क्लॉक स्पीड 1.8 GHz, ऑपरेटिंग सिस्टम 2GS85 GB के साथ। मेमोरी एंड स्टोरेज फीचर्स की बात करते हैं कि कौन कौन से मेमोरी और स्टोरेज फीचर्स इसमें मिलने वाले हैं। तो मेमोरी स्टोरेज फीचर, इंटरनल स्टोरेज 64GB होने वाला है, रैम होने वाली है 4GB, एक्सपेंडेबल स्टोरेज 1 TB होने वाला है, सपोर्टेड मेमोरी कार्ड टाइप MicroSD होने वाला है, माइक्रो कार्ड SD टाइप, डेडिकेटेड स्लॉट मिलेगा आपको जिसमें मेमोरी कार्ड आप एक अलग से लगा सकते हैं। कैमरा फीचर्स, प्राइमरी कैमरा अवेलेबल है, प्राइमरी कैमरा जो कि है 13 MP प्लस 0.08 MP के दो कैमरा सेटअप्स हैं। प्राइमरी कैमरा फीचर्स, डुअल कैमरा सेटअप 13 MP का जिसमें मेन कैमरा है और 0.08 MP का कैमरा है जो कि एक 3.0 एपर्चर के साथ है। फीचर्स, नाइट, पोर्ट्रेट, फोटो, वीडियो, पैनोरामा, डॉक्यूमेंट, स्लो मोशन, टाइमलेस, प्रो, लाइव फोटो, ऐसे फीचर्स के साथ ये अवेलेबल देखने के लिए आपको मिल रहा है। सेकेंडरी कैमरा अवेलेबल, यस सेकेंडरी कैमरा जो कि है 5 MP का है, फ्रंट कैमरा जिसमें भी सेम फीचर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, पोर्ट्रेट, फोटो, लाइव, वीडियो, नाइट मोड, ये सब चीजें देखने के लिए मिल रही है। फ्लैश, रियर में फ्लैश देखने के लिए मिल रही है, SD रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, डुअल कैमरा लेंस, प्राइमरी कैमरा होने वाला है। कनेक्टिविटी फीचर, नैनो टाइप होने वाला है, 2G 3G 4G 5G रहेगा, 4G LTE 5G GSM WCDMA होने वाला है। इंटरनेट कनेक्टिविटी 5G होने वाली है, 3GS माइक्रो USB वर्जन, USB 2.0 होने वाला है। इसमें और देखते हैं, Wi-Fi वर्जन 2.4 GHz सपोर्ट स्पीड है, NFC नहीं है, USB कनेक्टिविटी, GPRS सपोर्ट मिलने वाला है, स्मार्टफोन होने वाला है, टच स्क्रीन टाइप होने वाला है, कैपेसिटिव, सिम का साइज होने वाला है नैनो सिम, यूजर इंटरफेस फन टच, OS 14 बेस्ड इसमें मिलने वाला है। सेंसर, एसिक्लोरोमीटर, एम्बेंट लाइट सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, मोटर, ये सब चीजें फीचर्स मिलने वाले हैं। मल्टीमीडिया फीचर्स, FM रेडियो, यस FM रेडियो रिकॉर्डिंग, नो ऑडियो फॉर्मेट मिलने वाले हैं, अलग अलग प्रकार के वीडियो फॉर्मेट अलग अलग प्रकार के इसमें मिलने वाले हैं। बात करते हैं बैटरी एंड पावर फीचर की, 5000mAh की बैटरी देखने के लिए मिल रही है और बैटरी का टाइप होने वाला है लिथियम आयन की, इसमें बैटरी देखने के लिए मिल रही है। डायमेंशन 185 ग्राम का वजन है, ठीक है, इन एंड फील आपको ज्यादा भारी नहीं होने वाला, एक लोएस्ट प्राइस में बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज आपको इसमें देखने के लिए मिल रही है।
1 ईयर की वारंटीज वगैरह मिल रही है, 6 मंथ की एसेसरीज वारंटी साथ मिल रही है। तो ये तो थी इसकी स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स। बात करते हैं इसके कलर के बारे में। तो इसमें दो कलर अवेलेबल मिलेंगे आपको, एक तो जैम ग्रीन कलर मिलने वाला है, एक आपको स्पेस ब्लैक कलर मिलने वाला है। दो कलर आपको इसमें अवेलेबल मिलेंगे। वेरिएंट आपको एक ही देखने को मिल रहा है 464, अभी अवेलेबल नहीं है वेरिएंट। इसके अपडेट्स जो हैं, अगर ऐसी कुछ अपडेट्स आएंगी तो मैं आपको जरूर इसके बारे में भी जानकारी जरूर दूँगा। इसकी अप्रोक्स प्राइस होने वाली है 8 लाख, सॉरी 8 हज़ार, 8.5 हज़ार इसकी अप्रोक्स प्राइस होने वाली है, जो कि आपको देख सकते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अलग अलग भी देखने के लिए मिल सकती है। एक लो बजट के साथ बहुत शानदार इसमें इस रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहा है, बहुत अच्छी क्वालिटीज के साथ देखने को मिल रहा है। वीवो Y18i मोबाइल है ना, शानदार कलर देखने के लिए मिल रहे हैं, और वेरियंट भी 464 का है, जो कि इस प्राइस रेंज में बहुत शानदार देखने के लिए मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में मैंने आपको वीवो मोबाइल के बारे में जानकारी दी, जो कि Y18i है। मैं आप लोग के लिए मेरे चैनल पर ऐसी ही मोबाइल रिव्यू वीडियोस लेकर आते रहता हूँ, अलग अलग मोबाइल संबंधित जानकारी देता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है, आपकी नॉलेज और एजुकेशन को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो मेरी वीडियोज़ से ऐसे जुड़े रहिएगा, मेरी वीडियोज़ को एंडिंग तक जरूर देखिएगा, ताकि कोई भी जानकारी, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो और आपको ऐसी ही एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो आपके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल और ज़्यादा मददगार रहेगी, जो आपकी एजुकेशन नॉलेज को बढ़ाने में भी हेल्प करेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ और किसी नेक्स्ट मोबाइल रिव्यू वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।